सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। गाइज वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग इस सीरीज़ में। एंड आज का डे टू है, डे वन जिसने नहीं देखा, पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज़ पार्ट वन देख सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है कि पार्ट वन में आपने अगर स्टार्ट किया तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जाओ उस वीडियो को देखो, तब उसके बाद इस वीडियो को देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के सेशन का टॉपिक है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपको मैं सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, कैसे हाईलाइट क्रिएट करोगे, कैसे बायो बनाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी वीडियो समझ में आएगी, तभी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जिस भी बंदे को प्रॉब्लम आती है उसको फटाफट ये वीडियो शेयर करना, इस सीरीज़ का फ़ायदा सबको होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो चलते हैं स्क्रीन के अंदर बिना टाइम वेस्ट करें। सो गाइस स्क्रीन के अंदर हम आ चुके हैं। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करोगे। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम की आईडी पे चलते हैं। एंड इंस्टाग्राम की आईडी मैंने ओपन करी है। इंस्टाग्राम की आईडी ओपन करते हैं, यहाँ पे मेरी आईडी आपको दिख रही होगी, जिसको फॉलो करना है जाके मेरे को फॉलो कर सकता है। एंड अब आपको मेरी आईडी देखने में ही लग रही होगी कितनी बढ़िया। अब देखो एक चीज़ मैं आपको इस बिज़नेस में समझा देता हूँ यार, हमें जो काम करना है वो इंस्टाग्राम से करना है। तो हमारी जो दुकान होने वाली है एज अ इंस्टाग्राम ही दुकान है हमारी, क्योंकि सारा बिजनेस हमारा इसी से चलने वाला है। हम किसी से मिलने जाने वाले नहीं है, हमारी इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ होने वाली है। तो इसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेंटेन में आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले यूज़र नेम, दूसरा बायो, तीसरा हाईलाइट, चौथी चीज़ रील्स वगैरह। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूज़र नेम। यहाँ पे आपको मेरा यूज़र नेम दिख रहा होगा अभिषेक डिजिटल वन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उल्टा सीधा नाम रखते हैं, अपना रियल नाम भी नहीं रखते, क्योंकि लोग आपको जानना चाहेंगे तो वो आपको रियल नाम से जानेंगे ना। तो आपका रियल नाम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप डिजिटल रखो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा रखो, आप सिंपल नेम भी आप अपने यूज़र नेम में रख सकते हो। कोई ज़्यादा उल्टा सीधा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले जिस भी पर्सन ने अपना नाम यूज़र नेम सही नहीं किया, सबसे पहले जाके आप अपने यूज़र नेम को बढ़िया से बना लेना, जो भी आपका मन करे, राइट। दूसरी चीज़ आती है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको यहाँ पे बायो, सबसे मेन चीज़ यही है बायो, जिससे लोग आपको जानेंगे आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, जो भी है, राइट। अब जो भी पर्सन मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे आता है तो वो देखते ही जान जाता है कि भाई ये एक बंदा साइंस स्टूडेंट है, एक यूट्यूबर भी है और बिजनेस की ट्रेनिंग भी देता है, राइट। और इसका मोटिव है कि 1,00,000 स्टूडेंट को ये मेक मनी ऑनलाइन इंस्टाग्राम से सिखा दे कि कैसे इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं। ये मेरे बायो में लिखा हुआ है, और जिसको भी मेरे को कनेक्ट करना है वो मेरे व्हाट्सअप पे आ जाता है, वो मैंने लिंक डाल रखी है, राइट। तो ऐसा आपको बायो बनाना है। अब यार किसी को भी झूठा नहीं लिखना कुछ भी बायो में, जो आप हो वो लिखना है, रियलिटी लिखना है, क्योंकि बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ना कि कोई टाइम पास के लिए ही कर रहे हो, राइट। बिजनेस में आपको ग्रो करना है ना, तो हमेशा करना तो सच करना, सच की चीज़ें ही लिखना, सच चीज़ ही मतलब सच चीज़ दिखाना सामने वाले पर्सन को हर चीज़। कोई चीज़ बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस बायो में उल्टा सीधा लिख देंगे कि मैंने 1,00,000 स्टूडेंट को गाइड कर दिया, अर्निंग जीरो है लेकिन फिर भी लिख देते हैं भाई मैंने 1,00,000 को गाइड किया। भाई जब आपने कमाया नहीं है तो गाइड कैसे करोगे, जब आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप कैसे लोगों को सिखाओगे, राइट। तो बायो में जो आप हो वो लिख सकते हो। मैं हिंट दे देता हूँ आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने साइंस स्टूडेंट लिखा है, जो भी स्टूडेंट हो वो लिख सकते हो, राइट। आपने जैसे नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी अर्निंग नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो ऑन अ मिशन टू हेल्प 10K स्टूडेंट टू मेक मनी इंस्टाग्राम, ऐसा लिख सकते हो, राइट। और आप लिख सकते हो लर्न अफिलिएट मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये सब लिख सकते हो, नॉर्मल सी बात है, राइट। तो ये सब आप लिख लेना, ओके। ये हो गया बायो का नाम। अब यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन भी आता है, देखा होगा आपने, वेबसाइट में जाके आपको अपनी वेबसाइट की लिंक, वेबसाइट की मतलब व्हाट्सअप की लिंक आपको वेबसाइट में डालनी है, जिससे आपको कोई भी इंस्टाग्राम से डायरेक्ट व्हाट्सअप पे कन्वर्ट हो जाए, राइट। मैंने जैसे बताया था नेम यूज़र नेम सिंपल रखना, जैसे मैंने लिखा अभिषेक डिजिटल मार्केटिंग, यूज़र नेम आप देख सकते हो, तो ऐसा ही आपको लिखना है, राइट। ये सब हो गया कंप्लीट, एंड उसके बाद इसे राइट करके आप सेव कर लेना, ये हो गया। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ आती है हाईलाइट। ये मेरे हाईलाइट आप देख सकते हो, मैंने कितने सारे हाईलाइट बनाए हैं। अभी मेरी कोई भी बंदा हाईलाइट देखता है ना तो वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि मेरी अर्निंग भी दिखती है, ठीक है, मेरे साथ किस किस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी दिखता है, राइट। मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे वो भी दिखता है, ठीक है। मेरी टीम में लोगों ने कितना कमाया ये भी दिखता है, कंपनी फेक है कि नहीं ये भी दिखता है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ये भी दिखता है, सारी रियलिटी मेरे बायो में सॉरी मेरी हाईलाइट में दिखती है। तो आपको बायो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेरे आप हाईलाइट देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ इसमें कवर कर रखी है। और अगर आप बिगिनर हो, अगर आपकी अभी एक भी अर्निंग नहीं हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंट के लिए आपको क्या क्या बनाना है। आपको सबसे चीज़ पहले बनानी है स्टार्ट वर्किंग के ऊपर, एक अपना बायो क्रिएट करना है। बायो इसमें क्या रहेगा, हमारे बिजनेस वाले जितने भी पोस्टर्स होते हैं देख सकते हो, ये पोस्टर आपको अपने हाईलाइट में चिपकाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
राइट, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, नो चेन सिस्टम और नो नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा आपको एक हाईलाइट बनाना है राइट। दूसरा एक मोटिवेशन, मोटिवेशन वीडियो लाखों करोड़ों मिलेगी, वो लगानी है, उसका हाईलाइट बनाना है। ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग की आप एक बना दो, देखो मैंने ट्रेनिंग लिया लाइक वो मैंने लगा रखा है राइट। टीम सक्सेस की लगाओ, अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप टीम की लगा सकते हो, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं कंपनी में, उनकी लगाओ। तो तीन चार इंपॉर्टेंट है, और एक फेक की लगाओ। फेक में आप क्या लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या लगा रखा है, आपको दिखा देता हूँ। इस फेक में मैंने लगा रखा है कि लाइव मैंने दिखा रखा है कि अगर हम व्हाट इज़ लीड्स ग्रू डालें तो क्या आता है गूगल की तरफ से, अभी ओपन नहीं हो रहा नेटवर्क इशू के चक्कर में राइट। तो आप ये सब लगा सकते हो, ये चार पाँच इंपॉर्टेंट है, इतना काम हो गया। ये हमारी अच्छे से आपको बनानी है, और डेली बेसिस पे आपको रील्स भी एक क्रिएट करनी है। अगर आप खुद अपना फेस नहीं दिखा सकते तो आप अपने कोर्स दिखाओ, आप अपनी वेबसाइट दिखाओ, उससे रील बनाओ, ट्रेंडिंग म्यूजिक पर बनाओ, ताकि आपके पास लीड जनरेट हो, लोग आए। क्योंकि मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे 28,000 व्यूज़ थे, उससे मेरे पास कम से कम 50 से ज़्यादा ऑडियंस मतलब लीड्स आई थी, ठीक है। तो आपको इतना काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप बिजनेस में पहला स्टेप है तो वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी प्रोफाइल में दम नहीं है तो कोई आपको रिप्लाई बैक भी नहीं करेगा, अगर आप DM कर रहे हो तो, ठीक है। DP भी एक होनी चाहिए नॉर्मल सी, जो अच्छी लगे, जहाँ सामने वाले पर्सन को आपका फेस तुरंत दिखे। बहुत सारे लोग ग्रुप में लगाते हैं, वो नहीं लगानी, लोग बिजनेस आपसे करेंगे ना कि आपके दोस्तों से करेंगे। तो सिंगल फ़ोटो होनी चाहिए, सिंपल फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आपका फेस ग्लो करे राइट। तो ये चार पांच चीज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे सेम फेसबुक में भी अप्लाई कर लेना, बायो वगैरह सब चीज़ क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था, यही है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। एंड रील्स वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि वहाँ से आपकी एक मतलब पहचान बनती है। आपकी रील डालोगे वायरल, मान लो एक भी हो गई, मान लो 1,00,000 व्यूज़ किसी पे चली गई, तो यहाँ से आपके पास बहुत सारी लीड्स आएंगी तो सेल्स आएगी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा राइट। तो इस वीडियो में यही सब सिखाना था आपको, स्क्रीन शेयर करके। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे होगे यार, हाईलाइट मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मैंने कवर इमेजेस लगाए हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि कवर इमेजेस से और अट्रैक्टिव आईडी लगती है। अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है canva.com। canva.com में जाके आपको कवर इमेजेस बनाने सीखने हैं। अब ये आपको मैं लाइव सिखा रहा हूँ कैनवा में, कैसे आप जाके कवर इमेजेस क्रिएट करोगे राइट। तो कैनवा मेरा ओपन हो गया है, एंड यहाँ पे आपको सर्च वाला बार दिख रहा होगा, सर्च वाले ऑप्शन में आपको जाके लिखना है कवर इमेजेस हाईलाइट, जो भी आपको मतलब लिखना हो लिख सकते हो, सारी चीज़ एक ही है, ठीक है। इंस्टाग्राम हाईलाइट लिख सकते हो, ऐसे कवर इमेजेस हाईलाइट लिख सकते हो, इंस्टाग्राम हाईलाइट लिख सकते हो, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कवर इमेजेस मिल जाएंगी अच्छी अच्छी देखने के लिए राइट। अभी यहाँ पे आपको पोस्टर्स ज़्यादा है, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे मैंने बना रखी है, वो दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी हाईलाइट को क्रिएट करोगे। कोई एक पकड़ लो और उसी पे सारी हाईलाइट बना दो, कवर इमेजेस बना दो एक पकड़ के, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अबाउट लिखा है, इस अबाउट को आपको क्या करना है, देखो अगर आपको अच्छे से हाईलाइट बनानी है, मान लो मोटिवेशन की आपको हाईलाइट की कवर इमेजेस बनानी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो थोड़ा नेटवर्क इशू है इस चक्कर में, थोड़ा स्लो चल रहा है। एंड यहाँ पे अबाउट में आप लिख सकते हो मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन लिख के आप कुछ मोटिवेट लिख सकते हो, मोटिवेशन लिख सकते हो, मैं मोटिवेट लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मोटिवेशन। एंड यहाँ पे अच्छा सा जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो लिख सकते हो, जैसे मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी इसको अच्छा करना है। ये जब आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये इफेक्ट में आप इफेक्ट जाके बना सकते हो, जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगे, ठीक है, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है राइट। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब ये मैं आपको नॉर्मली सिखा रहा हूँ कि हाईलाइट के कवर इमेजेस कैसे बनाने हैं, तो ये मेरे को सेव कर लिया, जैसे भी आपको अच्छा लगे बना लेना, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करोगे कैनवा को, तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे बनाना, कोई हार्ड नहीं है, मैंने भी आपकी तरह सीखा है, ठीक है। मेरे को भी पहले से नहीं आता था, मैंने भी लीड्स ग्रू ज्वाइन करने के बाद ही कैनवा सीखा है। ये नेटवर्क इशू के चक्कर में थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो ये शायद मेरे को लगता है ये हो गया होगा सेव, नहीं अभी नहीं हुआ, थिंक हो गया, एक मिनट, नेटवर्क इशू के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सो फाइनली कवर इमेज बन चुका है, सेव हो चुका है। अब आपको इंस्टाग्राम की हाईलाइट में जाना, जब आप अपनी हाईलाइट क्रिएट कर लोगे तब उसको कैसे आपको लगाना, जैसे मेरे को ये वाला चेंज करना है, तो देखो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे जाके एडिट आएगा, एडिट हाईलाइट,
एडिट हाईलाइट पे जाके यहाँ पे एडिट कवर इमेज जाएगा, कवर इमेज में जाके आप यहाँ पे अपना मोटिवेशन वाला ये लगा सकते हो। तो ये सिंपल नॉर्मल चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है इसे बनाना। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है कवर इमेजेस लगाने के बाद। तो कवर इमेजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अट्रैक्टिव बना देती है आपकी आईडी को, राइट। तो इतना ही काम था आज की इस वीडियो में, पार्ट टू में एफिलिएट मार्केटिंग इस सीरीज़ में मैं आपको पूरी चीज़ सिखा दूंगा। आज का डे टू था जिसमें आपको मैंने सिखा दिया है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ए टू जेड सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जल्दी क्लिक करो। और जिसने फॉलो नहीं किया फटाफट जाके फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स मिलती हैं जानने के लिए मेरे से, राइट। तो इतना ही था इस वीडियो में, एंड मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट थ्री में। और जिस बंदे को मेरे से कुछ पूछना होता है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे हर डिस्क्रिप्शन में मेरे हर वीडियो के नंबर मिलेगा, जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो जिस भी बंदे को, पर्सन को स्टार्ट करना है मेरे साथ बिजनेस। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।